अच्छे से समझाया कि ट्रेन आ गई है। और पीछे की हो मार दे। हाँ जी, तो भैया क्या हाल है यार? ठीक है, मुंह वगैरह तो है, मास वगैरह पड़ी है। ठीक है, ये देखो सामान वगैरह आपके भाई का टोटल रेडी है, बस अब नाश्ता वगैरह करना है। तकरीबन टाइम हो गया 7:45, 8 बजे की ट्रेन है। नाश्ता वगैरह करेंगे, दोस्तों कॉल करेंगे, उसके साथ बैठ के सीधा स्टेशन 7:30 बजे या 7:15 बजे निकलेंगे। 15-20 मिनट लग जाते हैं स्टेशन में। तो खैर, ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है। ठीक है, पूरा सफ़र रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, कराची का भी आपको दिखाएंगे, एंड तक देखना। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, 4 चीज़ें हैं गाइस, यू हैव 4 जॉब टू डू, कर देना। ओके, हाँ जी। तो भैया जी खड़े हुए स्टेशन के ऊपर। ठीक है, जिनेद भाई साथ एंड ड्रॉप करने आए हैं। ठीक है, जिनेद भाई कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह उठ के? सुबह सुबह उठ के जलील हो रहा है, मन ही मन में आपको समझ हो गया क्या कह रहा हूँ। गाइस आप लोगों को रिव्यू दिखाते हैं, झेलम स्टेशन। ठीक है जी, बारिश वगैरह हुई है, आसमां गीला गीला, ज़मीन गीली गीली, अभी भी आया बारिश का माहौल बना हुआ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपका भाई एक बैग भूल गया घर के ऊपर, घर में भूल गया। ठीक है, दोस्त कॉल की है, अब वो बाइक पे आ रहा है देने के लिए। और होपफुली 8 बज चुके हैं, ट्रेन का टाइम है, लेकिन ट्रेन है लेट, बहुत 15-20 मिनट लेट है। निकी होगी मेरे साथ, अब वो आ रहे गाइस। बाजवा आ गया गाइस। नामुमकिन, क्यों मुमकिन गाइस, बाजवा आ गया मेरा बैग लेके। गाइस बाजवा ने बचा लिया गाइस, ब्रो गाइस सुने, नंबर 2 पर आ रही है गाइस। डब्बा नंबर 2 नंबर बंदों के लिए डब्बा नंबर 2 हसन जी, आला हाफिज। हाय टूर के यार मोहब्बत वाले, आप फिर मिलेंगे। गाइस जेलम हमने छोड़ दिया, जेलम अब हमारी 1 तारीख ही कैसा हो गया गाइस। तो भैया इस तरह होता है। ठीक है, ये देखो ये 6 का अपार्टमेंट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, विंडो सीट्स टोटल बंद है, हीटर वगैरह भी लगा हुआ है। बाकी अब आज हम बाहर तो आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, 6 सीट्स लगी होती हैं प्रॉपर, जिसमें आप अपना बस बना लेते हैं। इकोनॉमी में होता है सेम इसी तरह ही होता है, बस उसमें शीशा वगैरह खुले होता है और हीटिंग का कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं होता। ये चीज़ है, मतलब ये ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 7,100 रुपये जेलम से कराची। अभी फिलहाल लाला मूसा खड़े हुए हैं, 5 मिनट का स्टॉप होता है लाला मूसा, अभी फिर निकलेंगे आगे गुजरात जाना है और ऑल द वे टू कराची है, साथ साथ रहिएगा। ओके, हाँ जी। तो भैया वापस आ गए स्टेशन के ऊपर। ठीक है, वेलकम। ये इंजन लग गया है, ये आपके बाइक का डब्बा है 2 नंबर। ठीक है, और अब ये सारे डब्बे लग गए हैं जो कराची जाएंगे, और ये रहा फैसलाबाद। ठीक है, ट्रेन कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, मेरे ख्याल में ब्रेकेज चेक आ रहा है। ठीक है, और ये सारे लोग वापस आ गए हैं बस फिर अब। तो भैया जी साइन हो चुका है। ठीक है, बाय बाय फैसला। गाइस वी हैव रीच तोबा टेक्सिंग। ठीक है, बेल बज गई है, चलो गाड़ी। वो देखो जी सिग्नल डाउन हो गया। ठीक है, और अभी गाड़ी चलेगी, अब चल गाइस गाड़ी नहीं चल रही गाइस, गाइस गाड़ी के टायर पंचर हो गया गाइस। हाँ जी, तो भैया जब हम आ गए हैं भावलपुर। ठीक है, ये भावलपुर रेलवे स्टेशन है, रोटी वगैरह लेनी है यहाँ से, तो बस अब रोटी लेने लगे। अभी सो के उठा हूँ। ठीक है, तो पता लगा कि हम पहुँच चुके हैं
हैदराबाद और टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज रहे हैं, लेकिन 2 बजे तक हमें कराची पहुँच 8 बजे हमें कराची हो जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन लेट है तो 3 घंटे लेट है। फिलहाल अभी हैदराबाद में खड़े में स्टॉप है, आगे 2-2.5 घंटे का और सफ़र होता है कराची के लिए, लेकिन मजीद और लेट हो गई तो शायद अब देखते हैं अल्लाह मालिक है। बाकी अभी फ़िलहाल हैदराबाद में खड़े तो भैया जी हम लोग आ चुके हैं कराची, ठीक है सामने प्लेटफॉर्म है, बस 2 मिनट प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लग चुकी है, उसके बाद उतरेंगे घर जाएंगे। प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ गाइस, कराची आ गया गाइस, हाँ जी। तो भैया जी सामान वगैरह उतार लिया है, ठीक है ये आ गया कराची, चलते हैं घर को गाइस, इट्स कराची। हाँ जी तो भैया जी रिक्शा में बैठ चुके हैं, ठीक है गाइस 5 घंटे का सफ़र ख़त्म हो गया गाइस, 5 घंटे का सफ़र ख़त्म हो गया, चले घर को, ठीक है स्टेशन से निकल गया, रिक्शा वगैरह दे दिया है। ठीक है गाइस ये था आज का ब्लॉग, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है बाकी कंटिन्यू रखेंगे। अब आपको कराची का टूर दिखाएंगे, पहले जब आपको दिखाते थे अब कराची का टूर दिखाएंगे, ठीक ओके ठीक है भाई, ठीक है।